हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे सारे श्रमिकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपना श्रम कार्ड बना लिया है और आई होप आप लोगों ने भी अपना श्रम कार्ड बना लिया होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो श्रम कार्ड बना है इससे फायदा क्या मिलने वाला है, किन किन योजनाओं के लाभ मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला योजना निकल के आ गया है भरण पोषण भत्ता के तौर पे आपको 2000 रुपए पेमेंट किए जाएंगे। दोस्तों, सारे श्रमिकों के बैंक के खाते में 500-500 रुपए करके भेजे जाएंगे, 4 किस्तों में आएगा, यानी कि 2000 रुपए आपके बैंक अकाउंट पे भेजे जाएंगे भरण पोषण भत्ता के तौर पे। अगर आपने भी अपना श्रम कार्ड बना लिया है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया किन किन लोगों को मिलेगा, किन किन राज्यों में ये मिलेगा, किन किन राज्यों को ये दिया गया है, और ये जो न्यूज निकल के आ रहा है कि आपको 2000 रुपए मिलेंगे भरण पोषण भत्ता के तौर पे, ये आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप एक असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं आप, तो अपना श्रम कार्ड बना सकते हैं घर बैठे बस 5 मिनट में। और अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है दोस्तों आपका, तो आपको सीएससी सेंटर विजिट करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे बनाना पड़ता है हमें श्रम कार्ड, तो आई बटन पे लिंक दे देता हूं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे बात कही जा रही है कि आपको 2000 रुपए दिया जाएगा, 4 किस्त में इसका पैसा आएगा, 500-500 रुपए करके आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे, इसमें क्या कितना सच्चाई है, ये जो न्यूज चल रहा है उसमें कितना सच्चाई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये न्यूज बिल्कुल रियल है, 100% रियल है न्यूज, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि सारे श्रमिकों को, यानी कि उनके स्टेट में जितने सारे श्रमिक अवेलेबल है उनको ये किस्त दिया जाएगा 2000 रुपए, 500-500 रुपए करके उनको 4 बार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही बात है दोस्तों कि श्रम विभाग द्वारा ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ऐसा घोषणा किया गया है कि जितने भी सारे श्रमिक उनके राज्य में अवेलेबल हैं, जिन्होंने श्रम कार्ड में अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने अपना श्रम कार्ड बनवा लिया है, उनको दिया जाएगा। और ये 100% रियल है दोस्तों, आपको फेक नहीं समझना है। मैं अभी आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल पे ले जाता हूँ, वहां पे ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से यहाँ पे ट्वीट किया गया है, देख सकते हैं 21 दिसंबर 2021 को ऐसा ट्वीट किया गया दोस्तों 10:37 में। और ये सरकार के तरफ से ट्विटर अकाउंट चलाया जाता है दोस्तों, और सरकार की तरफ से ऐसा यहाँ पे निर्देश निकल के आ रहा है। देख सकते हैं 3 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं एक पेपर का कटिंग उनके द्वारा शेयर किया गया है, जहाँ पे लिखा गया है कि 3 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आदेश जारी, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते 4 माह तक मिलेंगे 500-500 रुपए। दोस्तों, 4 महीने तक आपको 500-500 रुपए दिए जाएंगे। ये जो कोरोना महामारी फिर से यहाँ पे लौट रहा है ना, ओमिक्रॉन वायरस, उसके यहाँ पे उसको देखते हुए यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि अगले 4 महीने तक आपको इसका फैसिलिटी दिया जाएगा, 500-500 रुपए आपके बैंक के खाते में सभी श्रमिकों के दिए जाएंगे। ये पेपर कटिंग का लिंक मैं आई बटन पे दे देता हूँ, ठीक है, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन में जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहां से ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो न्यूज निकल के आ रहा है कि 500 रुपए आपको दिए जाएंगे, 4 बार दिए जाएंगे, टोटल 2000 आपको दिए जाएंगे, वो बिल्कुल सच है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक ही राज्य को ऐसा यहाँ पे दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सारे श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनको 500 रुपए करके दिए जाएंगे, 4 बार उनको दिया जाएगा, टोटल 2000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां तक ये न्यूज खत्म नहीं होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपना श्रम कार्ड बना लेते हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर के पहले आपको श्रम कार्ड बना लेना है, अदरवाइज आपको इस जो ये जो योजना है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। 31 दिसंबर के पहले जितने भी सारे श्रमिक रहेंगे जिनका श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन होगा उनको ये फायदा मिल जाएगा। अब आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में ये फैसिलिटी मिल रहा है और बाकी स्टेट में अभी तक नहीं मिल रहा, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव का टाइम है, ठीक है, अगले कुछ दिनों में वहां पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो सरकार वहां पे ज्यादा यहाँ पे दे रही है, ज्यादा वहां पे योजना निकाल रही है, ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रही है ताकि उनको वहां पे सहूलियत हो सके और उनका वोट बैंक जो है वो वहां पे बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी होगा, जब यहाँ पे भी चुनाव होगा आपके स्टेट में, जब चुनाव होगा तो वहां का जो सरकार है उनको भी लगेगा कि बहुत सारे श्रमिक हमारे पास है, सबका श्रम कार्ड बन गया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको कुछ कुछ हम यहाँ पे योजनाओं का लाभ दें और उनको फायदा पहुंचाएं, आर्थिक स्थिति में उनका मदद पहुंचाएं।
तो आपके साथ भी होगा दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ई श्रम कार्ड जिन्होंने बनवा लिया है उनके खाते में पैसे आएंगे और ये स्टार्ट हो चुका है। यूपी फर्स्ट राज्य बना है जहां पे ये सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि श्रम कार्ड वालों को 500-500 रुपए दिए जाएंगे, 4 महीनों के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहां से ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो न्यूज है कि आपको 2000 रुपए दिए जाएंगे, इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि किन किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन सा स्टेट में मिलेगा और कब तक मिलेगा, लास्ट डेट क्या है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया है दोस्तों, बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन दिया है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक वीडियो को नहीं करते हैं, अभी के अभी लाइक कीजिए, देखिए लाइक किए हैं या फिर नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।